नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है एक और व्लॉग में। तो मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम रशिया में पहली बार मैं बाहर निकला हूँ रात के 11:30 बजे अकेले, और मुझे लगी भूख, तो मैं बर्गर किंग में कुछ खाने के लिए जा रहा हूँ। एक बर्गर किंग ही है जो खुला रहता है, मालूम नहीं आज खुला है कि नहीं। गूगल पे मतलब यांडेक्स पे देखा है तो लिखा है कि खुला हुआ है, और मेरा कोई प्लान नहीं था वीडियो रिकॉर्ड करने का, बस मैं ऐसे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना। मेरे पास माइक है ना स्टैंड है, तो देख रहे हो गया वीडियो शेक हो रही है ऐसी। बस हाथ में फ़ोन ले लिया मैंने, और कोई दूर दूर तक है नहीं, खाली है रोड। और क्या रात को सेंट पीटर्सबर्ग सेफ है कि नहीं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी। अभी जाके थोड़ा ठीक लग रहा है क्योंकि अब कुछ लोग दिख रहे हैं मेरे को, लेकिन फिर भी खाली है, बस गाड़ियाँ दिख रही है। और यहाँ पर यह है कि जो दिक्सी है वो 24 आवर्स ओपन रहती है, जो कि आपकी जो आपको ग्रोसरीज़ ख़रीदनी होती है, कुछ सामान वामान लेना हो तो 24 आवर्स ओपन रहती है। बाकी रेस्टोरेंट सारे बंद हो जाते हैं, कुछ होते हैं सिलेक्टेड जो खुले रहते हैं। और पब्लिक तो दिख नहीं रही, एक आधे दिख जा रहे हैं बीच बीच में, लेकिन जहाँ से मेरे अभिषेक है मतलब जो डॉर्मेट्री है वहाँ पर बहुत कम लोग दिखे थे, और यहाँ पर कुछ लोग दिख रहे हैं अब। और मेरे को तो सेफ लग रहा है, कोई ऐसा फील नहीं हो रहा है कि यार अनसेफ है अकेले बाहर निकलना। बाकी रेड लाइट है सामने, मैं रुका हुआ रोड क्रॉस करने के लिए। तो बाकी आपका एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगा, मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा रात को निकलने का। लड़कियों के लिए तो मेरे हिसाब से सेफ़ है, लड़कियों के लिए भी, लड़कों के लिए भी सेफ़ है, ऐसी कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। मैंने आज तक ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करी। बाकी मेरे दोस्त बताते हैं कि यहाँ पर कभी कभी रात को ड्रंक जो होते हैं बंदे वो मिल जाते हैं। और एक बंदा था, मेरा दोस्त नहीं है मतलब, उसने बता रहा था मेरे को, स्टोरी शेयर कर रहा था कि एक बंदे का पासपोर्ट ले लिया था, छीन लिया था, और कहा कि अपने घर से पैसे मंगा तभी दूंगा। तो ऐसे एक केसेस आए, मुझे नहीं पता ये सही है कि गलत है, लेकिन मेरे साथ आज तक कुछ नहीं हुआ ऐसा। पीछे ले गए सुंदर सी, और भाई क्वालिटी के लिए वो कहना मतलब माफ़ करना, क्योंकि ना माइक लेके आया हूँ ना ही स्टैंड है, वीडियो ऐसे हिल भी रही होगी, जो भी बस मैं ऐसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। भाई सारे रेस्टोरेंट बंद है, मैं होके आ गया, एक खुला हुआ है वहाँ पे, तो उसमें ज़्यादा कुछ अच्छा खाने को मिलता नहीं है। वहाँ पे एक 30 रुपये का मिलता है कारतोश के 30 रुपये का होता है, स्ट्रीट फूड है, अच्छा लगता है खाने में। देखता हूँ अगर रेस्टोरेंट खुला नहीं होगा तो लास्ट में आके यही खाएँगे। बाकी रोड साफ देख सकते हैं, पूरी खाली है। तो मैं आपको रात का नज़ारा दिखा रहा हूँ कैसे रहता है यहाँ पर। अभी 12 बज चुके हैं, और ये बैंक है यहाँ पर, यहाँ पे बैंक जो है 9 बजे बंद होते हैं सारे, अपने यहाँ 5 बजे बंद हो जाते हैं, और 4 बजे वो लोग शटल गिरा देते हैं बैंकों का। यहाँ बैंक 9 बजे तक खुले रहते हैं, और सुबह 10 बजे खुल जाते हैं सारे, कई बैंक जो है वो सुबह 9 बजे खुल जाते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि खाली है रोड, जो गाड़ियाँ चलते जा रही हैं, कभी बसेस जा रही हैं, और मेट्रो तो फ़िलहाल बंद होगी होगी। और बस मैं पहुँचने वाला हूँ, देखता हूँ KFC और मैकडोनल्ड्स तो क्लोज़ है, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि बर्गर किंग खुला रहता है, देखते हैं ट्राई करते हैं खुला है कि नहीं। और वॉइस के लिए मुझे माफ़ करना, क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है, मैं बिल्कुल सोच के नहीं आया था मैं रिकॉर्ड करूँगा, तो मैं अकेला चल रहा था, मैं सोचा चलते चलते रिकॉर्ड ही कर लो। और बाकी वहाँ पहुँच के मैं बताता हूँ आपको। तो मैंने एक चीज़ और नोटिस करी कि जब मॉर्निंग में जाते हैं बिल्कुल कूड़ा नहीं दिखता है, लेकिन अभी मेरे को सड़कों पर देखा होगा कितना ऐसे कूड़ा दिख रहा है यहाँ पर। और वैसे तो एकदम सड़क एकदम चमकती रहती है, फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि स्ट्रीट कैसे कूड़ा पड़ा हुआ है मतलब फुटपाथ पे। मालूम नहीं, हो सकता है रात के वक्त लोग फेंक देते होंगे या क्या होगा। और वैसे मैंने आज तक ऐसे देखा नहीं ऐसे दिख रहे हैं यहाँ पे। अभी यहाँ तो पूरी क्लीन है, इतनी भी स्ट्रीट है, पीछे बहुत गंदा दिख रहा था, और सामने पूरा जहाँ मेरे को जाना है। भाई ये खुला हुआ है, और मेरे को मैंने अपना ऑर्डर ले लिया है, बर्गर किंग इंडिया आपको खुला रहता है, ये सच है, मेरा ऑर्डर रहा। और अभी मैं वेट कर रहा हूँ अपने ऑर्डर रेडी होने का, तो देखते हैं आगे। ये मशीन से इसके ज़रिए आप ऑर्डर कर सकते हैं, इसमें इंग्लिश, रशियन, चाइनीज़ और पुर्तगीज लैंग्वेज का ऑप्शन दिया होता है। और सामने स्क्रीन पर मेरा ऑर्डर अभी रेडी नहीं हुआ है। भाई अपना आ गया आइटम। यार इन लोगों ने क्या किया था, मैंने 3 बर्गर किए थे, उन्होंने 2 दिया, फिर मैंने कहा कि एक कम है इसमें, तो उसने कहा सॉरी वो गलती हो गई, हो सकता है गलती की होगी या जानबूझ के किया पता नहीं,
लेकिन अपना आ गया, अभी खाते हैं, बहुत तेज भूख लगी है। चलो भाई अपन तो खा पी के आ गए बाहर, अब जाके जान आई शरीर में, कुछ खा लिया। एक्चुअली मैंने आज खाना बनाया नहीं, आज मेरा बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, और टाइम लग जाता है यार, एक घंटा लग जाता है सारा कुछ करने में, और आज पढ़ना था भाई रात भर, एग्ज़ाम चल रहे मेरे अभी, कुछ पता नहीं, कभी दिन में सो जाता हूँ कभी रात में सो जाता हूँ। तो मंडे को मेरा एग्ज़ाम है, और एक अपडेट और मैं बताना चाहता हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप में, यानी कि जो हमारा ग्रुप है उसमें कई लोगों ने कोरोना वायरस के बारे में पूछा है कि कोरोना वायरस का क्या स्टेटस है। तो उसके बारे में मैं आपको बता दूँ कि कोरोना वायरस अभी फ़िलहाल यहाँ कोई इतना कुछ खास हुआ नहीं है, लेकिन मॉस्को में अब केसेस आ गए हैं, मॉस्को में 19 लोगों को कोरोना वायरस हो चुका है, और जहाँ मैं रह रहा हूँ मतलब सेंट पीटर्सबर्ग में 3 लोगों को हो चुका है। और अब यहाँ पे क्या है कि यूनिवर्सिटीज़ क्लोज़ होना स्टार्ट हो गई हैं, हमारी यूनिवर्सिटी भी अब क्लोज़ हो जाएगी, मतलब हम लोगों की भी क्लासेस अब बंद होने वाली है, जितनी भी क्लासेस अब हमारी सारी ऑनलाइन होगी वेडनेसडे से। कल और क्लास है हमारी मंडे को, और उसके बाद एक डिस्कशन होगा कि कैसे क्लास होगी आगे की, कैसे कनेक्टेड रहना है, कैसे क्या करना है, तो हमें बताया जाएगा मंडे को यानी कल। और वेडनेसडे से हमारी सारी क्लासेस अब ऑनलाइन शिफ्ट हो जाएगी, यानी घर पे बैठे रहेंगे लैपटॉप में, और हमारे जो टीचर है वो वहीं से पढ़ाएगी और हम सारे देखेंगे ऑनलाइन। तो कोरोना वायरस का फ़िलहाल ये स्टेटस है, लेकिन यहाँ पे उतना कुछ खास कोई दबदबा है नहीं, बस ये है कि लोग पहले से केयरफुल हो गए हैं यहाँ पे ज़्यादा, और फ़िलहाल मास्क वास्क तो कोई पहन नहीं रहा, मास्क कोई नहीं पहन रहा मास्क यहाँ पे। तो ये कोरोना वायरस का अपडेट है फ़िलहाल रशिया का, अगर कुछ खास होता है तो मैं आपको बताता हूँ। सामने रेड लाइट है। भाई एक बात देखो, यहाँ पे साफ सारी मतलब कोई पब्लिक नहीं है, फिर भी ये बंदा रुका हुआ है रेड लाइट पे। तो यहाँ पे ये लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, मतलब फॉलो करते हैं ट्रैफिक रूल्स को, इतनी रात को भी ये लोग रुक रहे हैं रेड लाइट पे, और कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि रेड लाइट जंप कर देता है, तो यहाँ पे रेड लाइट पे सब रुक रहे हैं। ये देखो पूरा खाली है दूर दूर तक, ऐसे इस रोड पे गाड़ियाँ दिख रही है, वो सामने जो दिख रहा है वो सिबीर बैंक है, वो भी बंद हो चुका है, बाकी ATM है वहाँ पे वर्क कर रहा है, और जो पैसे निकालने हैं वो भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे भी बैंक है। तो भाई इस वीडियो में बस इतना ही था, कुछ खास मैंने दिखाया नहीं, और मेरे हाथ रहे हैं जम, और मैं ज़्यादा रिकॉर्ड भी करना नहीं चाहता क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है और ट्राईपोड भी नहीं है। तो बस इतना ही था इस वीडियो में, ऐसे ही मैंने सोचा बना लिया जाए कि आपको कि मैं बता सकूँ रात को यहाँ पे कैसा माहौल है। भाई रात तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया सेफ है, और बाकी ग्रुप में या एक दो लोगों के साथ जाओ तो और बेटर रहता है, और ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पे, तो बिंदास रहने का। और मिलते हैं किसी नई वीडियो में, हैव अ नाइस डे।